हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। इजी लेवल के अपने पास प्रॉब्लम आई हुई है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे, और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम शुरू में देखते हैं हमारे पास क्या करेगा भाई। क्यू की ऑपरेशन लगानी है हमें सिंपल, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं हमारे पास? एन इंटीजर गिवन होंगे, हमें हमारा टास्क क्या है, उनको एन इंटीजर को हमें क्यू में अपना पुश कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें m इंटीजर होर दिए जाएंगे। हमें क्या करना है, जो q में n इंटीजर है ना, m जो इंटीजर्स गिवन होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें 8 इंटीजर गिवन होंगे, ये हमें दिए गए, हमने q में पुश कर दिया। उसके बाद 5 इंटीजर होर गिवन होंगे, ये मेरे पास ये रहे, पहले 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी देख लो भाई, 2, फिर 3 की 2, फिर 2 की 2, 9 और 10 मेरे पास नहीं है तो उनकी अपना -1, ठीक है। अब हमें नीचे देखते हैं कुछ और चीज़ अगर कही हुई हो, कोई और चीज़ हमें नहीं कही हुई है, ठीक है, तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि 9 और 10 की फ्रीक्वेंसी -1 रिटर्न करनी है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, 0 रिटर्न कर देनी है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो मेन ब्लॉक है उसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन किस हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं। अब जो आपका एन एलिमेंट गिवन होंगे ना, ये आपको किसी एरे में गिवन नहीं होंगे। आपका सिंपल क्या हो रहा है, देखो भाई, एन अपना आप सीन कर लोगे, यहाँ पर आपका एन सीन हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपका ड्राइवर कोड है वो एक सारा काम कर दे रहा है, उसके बाद आपका जो इंसर्ट फंक्शन है ना वो अपने आप एन टाइम चलेगा, मतलब आपको जो एन एलिमेंट्स है ना वो एक एक बार के रूप में मिलते रहेंगे, आपको सिर्फ एक एक बार उनको क्या करना है, ऐड करते चले जाना है अपना क्यू, ठीक है। उसके बाद जो एम एलिमेंट है उनके साथ भी अपना सेम काम है, ये रहा नीचे वाला अपना काम एम के साथ है, आपका एम टाइम्स जो फाइन फ्रिक्वेंसी फंक्शन है वो अपने आप कॉल होता रहेगा, एक एक एलिमेंट आपके पास आता रहेगा। क्यू आपकी ऑलरेडी बन ही चुकी होगी, ठीक है, उससे पहले आपकी क्यू बन चुकी होगी, आपको बस जो के एलिमेंट आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देनी है, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 रिटर्न होगी, देखो यहाँ पर, तो वो अपने आप -1 अपना प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मतलब वो सारा काम ऑटोमेटिकली अपना हो रहा है, हमें बिल्कुल सिंपल इसमें सिंपल ऐड कर देना है किसको, के को, इसमें सिंपल के की फ्रीक्वेंसी अपनी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं अपना, देखते हैं, बाकी देखने वाला इतना कुछ है तो नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले अपना इंसर्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें मेरे पास क्यू आ रही है, साथ साथ में रखी आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, अपना ये मेरे पास फंक्शन है, अब इसमें तो मेरे को सिर्फ अपना क्यू में पुश ही करना है, तो जो भी मेरा एन टाइम्स फंक्शन कॉल होगा, जो भी मेरा एन टाइम्स के आएगा, मैं क्या क्या करूँगा, अपना क्यू में पुश कर दूंगा उसको, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या, इंसर्ट फंक्शन। दूसरा मेरा फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले में आप क्या सोच सकते हो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्यू जो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 8, ठीक है, कुछ इस तरह की मेरी जो है क्यू बनकर आ जाती है पहला मेरा इंसर्ट फंक्शन चलाने के बाद एन टाइम। उसके बाद जो मेरे पास एम मेरे को कहे जाते हैं एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स जो मेरे को कहे जाते हैं, वो कह देते हैं 1, 2, 3, 4 और आप 10, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक तो एक के आ रहा होगा और एक एक क्यू आ रही होगी, ठीक है। आप क्या कहोगे, यार मैं क्या करूँगा, इस पूरी क्यू को ट्रैवर्स करूँगा और इस के की फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी पूरी मैं चेक करूंगा और अपना जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, मतलब आपका चल जाएगा, क्योंकि आपको कहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, एन जो क्यू का साइज है क्रॉस एम, मतलब एम टाइम्स आप अपना एन को ट्रैवर्स कर सकते हो, मतलब हर केस के लिए आप अपने पूरी पूरी क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या यार उससे बेहतर कुछ हो सकता है मेरे पास, उससे बेहतर सोचो, जिस टाइम आप अपना इसको इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, इन एलिमेंटों को इंसर्ट कर रहे हो, अगर उसी टाइम आप अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो हर एलिमेंट की, ठीक है, जब मैंने इनको इंसर्ट करा था, अगर मैं उसी टाइम स्टोर कर लूँ, मेरा 1 है 2 बार 2 भी मेरा है 2 बार 3 है मेरा 1 टाइम 4 है मेरा 1 टाइम, ठीक है, उसके बाद मेरा 6 है 1 टाइम और 8 है 1 टाइम किसी मैप में, ठीक है, वो मैप हम अपना क्या करेंगे, स्टैटिक डिक्लेयर कर लेंगे जावा में या फिर सी प्लस प्लस में, सिंपली अपना चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्शन के टाइम ही अपना काम कर लेंगे। जैसे मेरे पास 1 आएगा, अब क्या मेरे को लिटरली अपनी क्यू को ट्रैवर्स करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधा 2 रिटर्न करो, जब 2 आएगा सीधा 2 रिटर्न करो भाई, ठीक है, जब 3 आएगा तो सीधा 1 रिटर्न करो भाई, जब 4 आएगा तो फिर 1 रिटर्न करो, 10 आएगा आपको दिख जाएगा इसकी कोई एंट्री नहीं है तो अपना 0 रिटर्न कर दो, बिल्कुल सिंपल। उस मेथड की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, जब आप इसको अपना पुट कर रहे होंगे तो ऑफ एंड तो ऑब्वियसली लगने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑफ एम जो आप सर्चिंग के लिए आपका एम टाइम फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपका जो ये काम होगा ये ऑफ 1 में ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें अपना कोई ज़्यादा काम नहीं लगने वाला। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो आपकी क्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी, लेकिन उसके बाद अपना
ऑफ एन स्पेस तो क्यू भी लेगी प्लस ऑफ एन स्पेस आपका जो हैश मैप वगैरह आप यूज करोगे वो भी लेगा, ठीक है। तो ये आएगी इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जाते हैं करते हैं इस मेथड को अपना कोड। देखो जी, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सिंपल अपना क्यू में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको पुश कर देना है। ये कर दिया पुश, ठीक है। अब साथ के साथ मैंने आपको क्या कहा, मैप बनाओ साथ के साथ एंट्री कर लो भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं इंट इंट का, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के लिए मेरा सेपरेट सेपरेट बन जाएगा। एमएम में के एंट्री अपनी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो जी के आ चुका है, क्या सिंपल रिटर्न कर दो एमएम ऑफ के, जो भी उसकी एंट्री होगी मेरे पास सिंपल रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा हमने दिमाग ही नहीं लगाया। अब इसको चलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जावा में हल्के बहुत अपने चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, हल्का सा बड़ा होगा कोड, ज़्यादा नहीं, वो भी अपना अभी कर लेते हैं। जावा का पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। ये सही चलता है, इसको सबमिट करते हैं। और गाइस, दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक्डइन इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं यार, अपना हैश मैप बना लेते हैं, स्टैटिक हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर का मेरे पास बन जाएगा एमएम इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। मेरा बन गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अपना एक तो क्यू में ऐड कर देना है के को, एक साथ साथ एमएम में पुट इफ एब्सेंट, ये अगर एब्सेंट है तो पहले उसकी वैल्यू अपना जीरो पुट कर दो, फिर एमएम में पुट कर दो अपना कुछ नहीं, पुट क्या कर दो भाई, के की वैल्यू एमएम से गेट कर लो के की वैल्यू प्लस वन, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद तो मेरे को सिंपल भाई यहाँ पर आना है। अगर एमएम में के की वैल्यू मतलब नल आ जाता, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिटर्न कर दो जीरो, वरना रिटर्न कर दो आर ई टी यू आर एन, रिटर्न कर दो एमएम डॉट गेट जो भी इसकी वैल्यू है वो, ठीक है। इसको चलाते हैं यार, इसको देखते हैं इसमें कोई एरर नहीं आया, अपना आना तो नहीं चाहिए, बाकी देख लेते हैं, नहीं चल रहा है, इसको भी सबमिट करते हैं, ठीक है। इसमें आ गया भाई एरर, ठीक है। अब एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, एरर का कारण क्या रहता है इसमें। ये हमारा स्टैटिक है, ठीक है, मतलब क्लास के लिए आए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार बनेगा। अब पिछले जो हमारे वैल्यूज होंगे, पिछले ऑब्जेक्ट के कारण जो हमारी वैल्यूज आई होंगी वो रिफ्लेक्ट कर सकती है दूसरे को, ठीक है। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को इसको सेपरेट बनाना है, तो वो सेपरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ भाई, इसको पहले हल्का सा इसका फोन साइज बढ़ाते हैं। वो सेपरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ना एक स्टैटिक एस टी ए स्टैटिक बुलियन टाइप का ए बना लूंगा। मैं कहूँगा कि भाई अभी तक मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैंने इसको खाली नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं आऊँगा, अगर मेरा ए है इक्वल इक्वल फॉल्स, इसका मतलब अभी मेरे पास इसमें जो पिछला टेस्ट केस रन हुआ है उसकी एंट्री पड़ी है, अगर मेरे पास उसकी एंट्री पड़ी है तो मेरे को कर देना है इसको क्लियर। तो मैं वो काम कैसे कर लूँगा, एमएम अपना न्यू बना लूँगा, न्यू हैश मैप, ठीक है। तो सिंपल अपना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको यहाँ बनाते ही नहीं है हम, इसको बनाएंगे ही यहीं पर, ठीक है। हैश मैप ये मेरा यहाँ पर बन गया। अब मेरा इस टेस्ट केस के लिए एक बार बन चुका है, तो मेरे को ए को कर देना है ट्रिप, ठीक है। अब जितनी बार मेरा इंसर्ट, तो एंड टाइम मेरा कॉल होगा, लेकिन ए मेरा सिर्फ उसको एक बार फॉल्स मिलेगा, मतलब एक ही बार मेरा मैप बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को इसको दोबारा बनाना है, इसका मतलब ए की वैल्यू को मेरे को दोबारा ट्रू से फॉल्स सेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं कहाँ पे करूँ, जहाँ पर मेरा ये दोबारा कॉल ना हो वहाँ पर, ठीक है। अब इंसर्ट जब मेरे सारे कॉल हो जाएंगे उसके बाद तो मेरा फाइट फ्रिक्वेंसी कॉल होगा, तो इसका मतलब फाइट फ्रिक्वेंसी में मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू को ट्रू सेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू उसको ट्रू मिलेगी, जब उसको ट्रू सॉरी यहाँ पर फॉल्स सेट करना है मेरे को, जब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में उसको फॉल्स वैल्यू मिलेगी तो वो दोबारा अपने लिए मैप बना लेगा, ठीक है, दोबारा उसके लिए न्यू मैप बन जाएगा। तो इस तरह से अपना ये भी चल जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको अपना रन कर अब दिखाता हूँ, फिर सबमिट कर लेंगे इसको भी, नहीं चल रहा गाइस, इसको करते हैं सबमिट। ये भी हुआ सबमिट। और गाइस, अगर आप कहते हो कि यार मेरे को मैप यूज़ ही नहीं करना, ठीक है, आप कहते हो मेरे को यार बिना मैप के करना है, मेरे को मैप का चक्कर ही नहीं पाना, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, देखो। अब देखो, मैप आपको यूज़ नहीं करना, सबसे पहले तो इसको उड़ा दो भाई, आपने इसको यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसको भी उड़ा दो, मतलब इंसर्ट में खाली आप इंसर्ट करोगे, किसी तरह की फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर हर एक टेस्ट केस के लिए अपनी अलग से कंप्यूटेशन करनी होगी, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी आएगी एन क्रॉस एम, ठीक है। वो कैसे होगी अपनी कंप्यूटेशन, मैं आपको बताता हूँ व्हाइट बोर्ड पर।
जैसे मेरे पास क्यू आती है ना, 1 2 3 4, 1 4 2 8 9, ठीक है, ये क्यू आती है मेरे पास, कह देता हूँ मैं किया जाता है। सबसे पहले टू के, अभी टू की फ्रिक्वेंसी बताओ आपको इस क्यू को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। अब आपको यार एरे तो है नहीं कि मैं 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट तक ट्रैवर्स कर लूँ, क्यू को कैसे ट्रैवर्स करूँ मैं, अगर इसमें से पॉप करने लग गया तो यार ये उड़ जाएंगे, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्यू को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आप टॉप पर देखोगे ये एलिमेंट है, चलो ठीक है, इसको आप पॉप भी कर दो, लेकिन इसको किसी में स्टोर कर लो ताकि इसको लॉस्ट ना करो। आप चेक करो क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है। आप एक एक एलिमेंट को पॉप करते चलोगे, लेकिन जैसे आप एक को पॉप करोगे आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, वन आपका पॉप हो चुका है, ठीक है। अब आपका वन पॉप हो चुका है, एक एक एलिमेंट आप कैसे ही पॉप होगा, आपको दो के साथ कंपेयर करना है, एक काउंट वेरिएबल अपना या आंसर वेरिएबल अपना ले लेना है, उसको इंक्रीमेंट कर देना है अगर दोनों मैच होते हैं, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी तो काउंट करनी है। अब ये आपका लॉस्ट ना हो इसलिए आपने वेरिएबल में स्टोर करा, वेरिएबल में स्टोर कर रहा है तो इसको पुश भी कर दो यार, ठीक है। जब इसकी बारी आएगी ये डिलीट होगा, फिर इसके बाद ये पुश हो जाएगा, इसकी बारी आएगी ये डिलीट होगा, इसके बाद ये पुश हो जाएगा। सिमिलरली अपनी दोबारा से पूरी क्यू की क्यू भी बन जाएगी और अपनी फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, लेकिन उसकी टी सी आएगी एन क्रॉस एम, एस सी तो उसकी एन ही रहने वाली है, ठीक है। तो वो मेथड भी हल्का सा आपको सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, जावा में आप खुद से कर सकते हो उसको इंप्लीमेंट। तो यहाँ पर मेरे को सिंपल क्या करना है, एक आंसर वेरिएबल उस मेथड में मैं ले लूंगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा एक साइज निकाल लूंगा अपना क्यू डॉट साइज, ठीक है, और अपना वाई लूप चला लूंगा उतने बारी जितना मेरा क्यू का साइज है। एक टी में मैं क्या करूँगा क्यू डॉट फ्रंट निकाल लूंगा, ठीक है, और क्या करूँगा उसको पॉप कर दूंगा जैसा मैंने आपको बताया था। अब मेरे को चेक करना है अगर टी इक्वल इक्वल है के तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आंसर कर देना अपना प्लस प्लस, ठीक है। अब क्यू में पुश भी कर देना है भाई टी को, अब ये जो टी है मेरा पीछे जाके लग जाएगा, क्यों मैं से एक एक एलिमेंट पॉप होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेक होती रहेगी और पीछे लगता रहेगा, लास्ट में अपना रिटर्न आंसर कर देना है करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको भी आपको मैं एक बार रन और सबमिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और गाइस दोनों कोड का जो प्रीवियस कोड है उनका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका लिंक भी मैं अपना आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सेम लिंक में आपको ये वाला कोड भी मिल जाएगा, आपकी मर्जी है जो मर्जी करो, बेहतर अपना वो वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और ये गाइस आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा, फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।